घर में एक मरीन टैंक बनाना मतलब समुन्द्र का तट, बीच के आगे जो रीफ रहता है उसका एक टुकड़ा लेके घर में आना। वो टेक्नोलॉजी कुदरत का समझने के लिए बहुत कॉमन सेंस चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंस नहीं कॉमन सेंस। मेरे को पर्सनली मरीन टैंक बहुत पसंद आता है, बट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है इसलिए मैं रखता नहीं। लेकिन जब कोई टैंक इतना सुंदर देखूं, साफ देखूं, तो बहुत मजा आता है। आज हम हैं पनवेल में एक्वा मशीन में। ये इनका मरीन टैंक है, बहुत सुंदर रखा है, बहुत फिश बहुत हेल्थी है, टैंक साफ है, इसलिए मेरे को मन किया कि मैं आप सबको दिखाऊं और आप देखने वाले हो और बहुत इंटरेस्टिंग है। एंजॉय करते रहो, एंड तक देखो, बहुत मजेदार चीज है दिखाने वाला। एक मरीन टैंक रीफ को मिमिक करता है या इमिटेट करता है, मतलब रीफ में हो क्या रहा है। जब समंदर के लहरें अंदर आते हैं रीफ में, तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, साफ पानी लेके आता है, और जब वापस जाता है तो उसके साथ कचरा लेके वापस जाता है, एंड अगेन नया फ्रेश आता है, फिर कचरा वापस जाता है, फिर अगेन नया फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लेके आता है और कचरा लेके वापस जाता है। ये आप टैंक में मिमिक कैसे करोगे, इमिटेट कैसे करोगे? नामुमकिन। लेकिन मरीन टैंक बनाने का एक बहुत सिंपल आसान तरीका है, आज मैं आपको समझाने वाला हूं। एक मरीन टैंक में सबसे ज्यादा, ऑफकोर्स कोई भी एक्वेरियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी है, क्योंकि यह पानी खारा है, उसमें नमक है, सॉल्टी। तो पानी में कितना नमक डालें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट। कौन सा नमक डालें, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। कब तक साइकिल करें, फिश कब डालें, इसका फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सब आज के डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। एक मरीन टैंक बनाने के लिए स्टेप वन, टेक्नोलॉजी, मतलब करेक्ट साइज का टैंक। ये वाला जो है 3 feet by 1.5 feet by 1.5 feet है। बायोलोड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एनिमल्स या कॉरल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिश है। इट्स अ फिश ओनली मरीन टैंक, मतलब बायोलोड कम। अगर हम कॉरल्स वगैरह डालते हैं, बायोलोड ज्यादा होगा तो, और फिल्ट्रेशन भी बदलेगा। तो ये समझना जरूरी है कि टैंक का साइज क्या है और उसका बायोलोड कितना होगा। सेकेंड, इसका टेक्नोलॉजी जरूरी है, एक अच्छा सा ओवरफ्लो सिस्टम। एक ओवरफ्लो सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वाटर वॉल्यूम ज्यादा चाहिए और फिल्ट्रेशन में या कैनिस्टर फिल्टर में वाटर वॉल्यूम उतना नहीं मिलता है। तो ओवरफ्लो सिस्टम से हम पानी लेके जाएंगे एक सम फिल्ट्रेशन को, जो टैंक के नीचे है। ठीक है, पहला वाला चेंबर में फिल्टर सॉक है, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब कचरा निकालने के लिए। अगले में, सेकंड में है प्रोटीन स्कीमर। प्रोटीन स्कीमर क्यों यूज करते हैं, ताकि जो एक्सेस प्रोटीन है टैंक में बायोलोड के वजह से, फिश फूड के वजह से, उसको निकाल ले, वो जरूरत नहीं है। अगर प्रोटीन है तो एल्गे बढ़ेगा, प्रॉब्लम स्टार्ट। ये सम फिल्टर का तीसरा सेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। नीचे जो आप बायोमीडिया देख रहे हो, इसमें कोई दूसरा बायोमीडिया जैसे ही बैक्टीरिया जो है इसके अंदर, वो अमोनिया को तोड़ के नाइट्रेट बनाता है। बैक्टीरिया के लिए खाना बाजू में है, वो बॉटल के अंदर है, ठीक है, वो बैक्टीरिया के लिए खाना है। अभी उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन एक एल्गे है, इसको चीटो एल्गे बोलते हैं। चीटो एल्गे क्या करता है, जो बना हुआ नाइट्रेट है, जो अमोनिया टूट के नाइट्रेट निकलता है, वो नाइट्रेट को कम करता है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गे है, अच्छा सा ग्रो हो रहा है, और इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं कॉपी पॉड, वो भी उसके अंदर ग्रो हो रहा है। वो कॉपी पॉड क्यों चाहिए, मैं आपको टैंक दिखाते टाइम समझाऊंगा। लास्ट में है एक पंप जो
पानी को सम्प से उठा के वापस टैंक में लेके आएगा अंदर, ठीक है। तो अभी ये समझना है कि टैंक के यहां से वाटर फ्लो बाहर जा रहा है और टैंक के इस तरफ से पानी अंदर आ रहा है, तो अच्छा सा सर्कुलेशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन पानी में फोर्स नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक पावर हेड लगा देते हैं, फोर्स पानी नहीं, इजी होना चाहिए। एक आप वेव मेकर डाल सकते हो सर्कुलेशन के लिए, ये जरूरी है। तो ये हुआ टेक्नोलॉजी, ओके। आखिर में लाइटिंग, मरीन के लिए लाइटिंग अलग है, इसमें थोड़ा आल्गे ग्रो होने के लिए वगैरह लाइटिंग बहुत यूजफुल होता है, यूजुअली ब्लूइश होता है, व्हाइट लाइट भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका क्वालिटी करेक्ट होना चाहिए, यूजुअली 11,000 केल्विन प्लस जरूरी है। ये टैंक में अगला है पानी। यूजुअली आप अगर दुकान में जाओगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट, 20 किलो सॉल्ट फॉर 100 लीटर वाटर, 15 किलो सॉल्ट फॉर 100 लीटर वाटर, या 50 लीटर वाटर, या जो भी है वो कैलकुलेशन मिल जाएगा आपको, बट वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पानी में ऑलरेडी कुछ सॉल्ट या मिनरल हो सकता है अगर आप टैप वाटर यूज कर रहे हो। अगर आप आरओ वाटर यूज कर रहे हो तो चांसेस करेक्ट होने का ज्यादा है, तो आरओ वाटर या मिनरल वाटर यूज करो, सॉल्ट मिक्स करो, लेकिन एक रिफ्रैक्टोमीटर यूज करो। रिफ्रैक्टोमीटर में पानी थोड़ा सा डालेंगे तो रिफ्रैक्टोमीटर में हम लोग देख के ये पता करेंगे कि अगर 1.02 या 1.025 के अंदर है डेंसिटी, वाटर डेंसिटी, तब करेक्ट है, सॉल्ट एंड वाटर करेक्ट मिक्सचर में है, ठीक है। हम सेलिनिटी भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। मरीन टैंक के लिए करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होना बहुत जरूरी है, ओके, और उसको समझना, यूज करना भी बहुत जरूरी है। तो जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के सॉल्ट मिलते हैं जो इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो कौन सा वाला ले, कौन सा वाला अच्छा है। हर एक सॉल्ट में इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होता है, आप पीछे पढ़ सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वालिटी या गुड ब्रांड का लें तो बेटर है। तो ये वाले टैंक में आदित्य ने डू एक्वा का सॉल्ट यूज किया है, एडीए का ब्रांड है। ये सॉल्ट में ऑलरेडी बफरिंग कैपेसिटी रहता है, क्योंकि इसमें पानी का पीएच 8.5 होना चाहिए और इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी होता है, तो सॉल्ट थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है। और भी अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे एक्वा फॉरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांड है, वो भी आप यूज कर सकते हो, और भी वैरायटीज है, बट ये दो ब्रांड मैंने भी यूज किया है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं या रेकमेंड कर रहा हूं। एक बार आप पानी डाल दो, ठीक है, सेम वॉल्यूम का वाटर आप पानी मिक्स करके भी रखना जरूरी है कि वाटर चेंज के लिए, ठीक है, बिकॉज आपको खारा पानी चाहिए, ठीक है, सादा नहीं, तो ऑलरेडी पानी रेडी होना चाहिए। वो पानी खराब नहीं होता, पुराना नहीं होता, आप 15-20 दिन रख सकते हो, हफ्ता महीना भी रख सकते हो। ज्यादातर वाटर चेंज इसमें उतना ज्यादा नहीं होता है जैसे हमारे प्लांटेड वगैरह टैंक्स में, वीकली नहीं करते, बहुत कम करते हैं, सिर्फ सैलिनिटी एडजस्ट करने के लिए और मेजर करके, डेंसिटी मेजर करके, प्रोटीन लेवल्स मेजर करके, फिर बाद में या फॉस्फेट्स मेजर करके, अमोनिया मेजर करके, उसके हिसाब से किया जाता है। एक मरीन टैंक सेटल होने में या साइकिल होने में 45 डेज टू 60 डेज तक लग सकता है। पेशेंस होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आज आया सॉल्ट मिक्स किया, अगले दिन मच्छी डाल दिया, सब मर जाएगा, बिकॉज बैलेंस होना जरूरी है। एक अच्छा क्वालिटी का टेस्ट किट लेके आओ, रखो, सब टेस्ट करेक्ट होना चाहिए, अमोनिया जीरो होना चाहिए, फॉस्फेट नहीं होना चाहिए, नाइट्रेट बेरली, ओके, थोड़ा बहुत होना चाहिए, डेंसिटी करेक्ट होना चाहिए, ये सब देख के उसके बाद फिश डालना पड़ेगा। अब आप फिश ओनली मरीन एक्वेरियम जैसे ये वाला है, इसके लिए कौन सा फिश ला सकते हैं? ये टैंक में एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, ओके, ये अगेन जैसे मैंने बताया 90-45-45 सेंटीमीटर का टैंक है, काफी बड़ा टैंक है, 3 फीट टैंक है। इसमें टोटली मेरे को दिख रहे 1, 2, 3, 4 बड़े मछली और एक 5 या 6 छोटे मछली बस, सो टोटल अबाउट 9 फिश एंड वाटर वॉल्यूम अच्छा है, इसलिए बायोलोड कम है, पानी साफ है, सुंदर है और प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर ऐसे छोटे टैंक में बड़ा मछली लेके आएंगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट,
ठीक है, बिकॉज बायोलोड बढ़ गया, पानी में प्रॉब्लम शुरू, फॉस्फेट बढ़ गया अगेन। अगर आप मरीन टैंक रख रहे हो तो डेली टेस्ट करो, बहुत जरूरी है। चलो फिश देख लेते हैं। पीछे की तरफ है क्लाउन फिश, इसको हम मरून क्लाउन बोलते हैं। अगर एक एनिमोन के साथ होता तो ज्यादा वो होता, बट अगर सिंगल क्लाउन है नो प्रॉब्लम। अगर मल्टीपल क्लाउन रखेंगे तो याद रखो एक क्लाउन दूसरे को मार भी सकता है, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं और टेरिटोरियल भी होते हैं। ये सुंदर सा येलो सा मछली जो है इसको बोलते हैं येलो फॉक्स फिश, ओके, या लोमड़ी का चेहरा वाला येलो वाला फिश, ओके। उसके पीछे जो है उसको हम बोलते हैं कोल टैंग। अभी वो चुप गया है, आएगा थोड़ी देर में बाहर, बहुत सुंदर है। देखो उसके पीछे दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये वाला बहुत सुंदर फिश है, बहुत सुंदर है, थोड़ा यूनिक है, ज्यादातर लोग रखते नहीं है। इसको बोलते हैं लॉन्ग नोज हॉक फिश। क्या कलर्स है यार, क्या पैटर्न है, वाओ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश और है इसमें, इसको बोलते हैं बहुत मूविंग फास्ट है डॉक्टर रास, ओके। ये क्या करता है, इधर उधर साफ सफाई करता है फिश के बॉडी के ऊपर, कीड़े मकोड़े खाता है, पैरासाइट्स खाता है, ठीक है, एंड दूसरे फिश को मदद करता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी यूजफुल फिश टू हैव एक मरीन टैंक में। ये छोटे ब्लू वाले जो है इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन क्रोमिस, वेरी 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 एक्टिव फिश, कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर और थोड़े हो गए तो वो स्कूलिंग जैसा भी करते हैं, बहुत सुंदर। एक मैंड्रिन छुपा हुआ है नीचे कहीं पे, अगर दिख जाए तो मैं दिखा दूंगा आपको। अभी इनको थोड़ा खाना खिलाते हैं। ये एक्चुअली एक जर्मन प्रोडक्ट है, इंडिया में मिलता नहीं है, ओके। ये सॉफ्ट स्पिरुलिना करके खाना है, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम ट्राई कर रहे हैं इसको मंगाने के लिए, बट काफी एक्सपेंसिव है। सीरियस मरीन कीपर्स ये सब पसंद करेंगे। ये बिकॉज 9-10 फिश है, बहुत ही थोड़ा सा खाना डालने वालों, अगर दो बार डालेंगे तो बस है, ठीक है। तो चलो थोड़ा खाना डालते हैं। देखा कितना छाव से खाते हैं इन लोग, ये लोग अभी बाहर आया है। जिसको मैं दिखाना चाहता था उसको बोलते हैं मैंड्रिन। ये मैंड्रिन जो है, मैंड्रिन गोबीब जो है, वो कॉपी पॉड्स को, या वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नीचे एल्गे में ग्रो हो रहा है, कॉपी पॉड्स को ही खाएगा और कुछ खाता नहीं है। इसके लिए वो कॉपी पॉड्स जरूरी है, बाकी सब फिश तो ये खाना खा ही लेते। चलो आज मैं हूं तो थोड़ा एक ट्रीट और दे देते हैं, छोटा सा, ज्यादा नहीं, एक 3-4 पीस दे दिया। फिश टैंक कोई भी हो, मछली कोई भी हो, खाना कम डालो, ओवरफीड कभी मत करना। जितना आप ओवरफीड करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स फिश टैंक में आएगा, मरीन या फ्रेश वाटर, डजंट मैटर, ठीक है। खाना लिमिटेड कम, ठीक है। याद रखो कुदरती इनको रोज खाना कोई परोसता नहीं है जैसे आप परोसते हो, ठीक है। उनको ढूंढना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रोज मिलता भी नहीं, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मरीन एक्वेरियम के लिए, कि खाना कम, फिश कम, लिमिटेड बायोलोड और सुंदर एक्वेरियम। काफी दिनों से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि एक मरीन टैंक के बारे में कुछ समझाओ, बताओ क्या है, क्या आइडिया है। होपफुली ये वाला जो वीडियो है बहुत सिंपल है, बट पॉइंट्स मैंने ज्यादातर सब कवर किया है। आगे भी और मरीन के लिए वीडियोस बनाएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे एंड मजा भी लेंगे, ओके। तो मैं हमेशा की तरह आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया, मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा, सिंपल पॉइंट्स थे। डिटेल वाला वीडियो आगे बनाएंगे, सेटअप वाला वीडियो बनाएंगे मरीन के लिए, और भी बहुत कुछ बनने वाला है। लेकिन तब तक आप सबको मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से एंड एक्वा मशीन पनवेल के तरफ से भी थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलने वाला हूं, सब्सक्राइब जरूर करना
और मेरे वीडियोस एंजॉय करते रहना। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।